खबर नाला सुपारा पूर्व स्थित पहला पुलिस स्टेशन क्षेत्र की है, जहां प्राइवेट मैजिक चालकों की दादागिरी के चलते नाला सुपारा के रिक्शा चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, ऐसा ही एक मामला नाला सुपारा पूर्व स्थित बिलाल पाड़ा नाके का सामने आया है। शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे के आसपास प्राइवेट मैजिक चालक द्वारा सवारी बिठाने का विरोध करने पर रिक्शा चालक से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि मैजिक चालक और रिक्शा चालक में मारपीट होने लगी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार मैजिक चालक रिक्शा चालक से दादागिरी कर रहा है। रिक्शा चालक ने बताया कि प्राइवेट मैजिक चालक करीब 6 महीने से दादागिरी कर पैसेंजर बिठा रहे हैं और मैजिक का भाड़ा कम होने के कारण रिक्शा चालक को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आज जो घटना हुई इसके पहले की बात मैं पहले बता रहा हूँ, दूसरी बार आज बताऊँ। पहले हम लोगों ने इसके पहले जनवरी में लेटर डाला PI को, वास्तु विभाग में, हमारे दोनों कंधार सिरसाड़ और जो है कि यहाँ पे सनसाइन सिटी, तो यहाँ पर लेटर डालने के बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। और उस समय उसके बाद में एक पाल से झगड़ा हो गया यहाँ पे गौराई नाका में जो रिक्शा स्टैंड है वहाँ पर बाकायदा बोर्ड लगाया हुआ है। उस बोर्ड के सामने कम से कम 15 मैजिक लाइन से लगा के चलती है। सुबह में रिक्शे वाले इक्का दुक्का करके आते हैं, 4-5 करके आते हैं, उनको मैजिक वाले भगा देते हैं क्योंकि वो कमजोर पड़ते हैं। और वहाँ धड़ल्ले से लेकर के 10 बजे सुबह तक, करने का मतलब रात को माने सुबह 3 बजे से 10 बजे तक वो लोग धंधा करते हैं। अगर उनको हम लोग मिल करके कुछ बोलते हैं तो वो सीधा बोलते हैं कि मैं PI को पैसा देता हूँ, यानी कि वही लोग कहते हैं कि मैं PI को, मेरा कहना नहीं कुछ है, वो लोग कहते हैं मैं पैसा दूंगा, धड़ल्ले से चलूंगा, ऐसे तुम कुछ मेरा अधिकार नहीं चाहते। कहने का मतलब पैसेंजर होने का अधिकार नहीं है। और ये सब बातों विभाग को हमने बताया भी है, लेकिन इसके बाद में भी वो रिक्शे पे कार्रवाई कर रहे हैं, मैजिक पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 4 तारीख को हमने इसी 4 तारीख को हम लोगों ने प्रदर्शन किया था और उन लोगों ने बोला कि प्रदर्शन मत करो, हमने केवल बोला कि थोड़ा ही प्रदर्शन करें। उसके बाद से रिक्शे वालों के ऊपर कहर ढा रहे हैं, लेकिन मैजिक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इतना नहीं बल्कि सभी रिक्शा चालकों ने इस मामले में यातायात विभाग पुलिस को भी पत्र के माध्यम से शिकायत दी है, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिलहाल पीड़ित रिक्शा चालक ने पेल्लार पुलिस स्टेशन से मदद की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरह से कार्रवाई करती है। इंडियन सिटीजन TV के लिए अजय यादव की रिपोर्ट।